साथियों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। बहुत चर्चा पर चर्चा इधर तीन चार दिन से हम लोग आपके बीच में, मैं खुद नहीं था, आप लोग घबरा रहे थे कि राजभर जी किधर चले गए। देखिए, लंबे समय से हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, जो इन महापुरुषों ने 106 साल संघर्ष करके वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के जो निचले पादान पे खड़े, जिस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो निचली पादान पे व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का प्रयास हो, उस लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं। बराबर हम उनके हक अधिकार सम्मान की बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके सोच थे उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए। इधर राष्ट्रपति जी का चुनाव आया, बड़ी चर्चा हुई, हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, अपने 6 विधायकों से बातचीत की, जो मैं आपके बीच में नहीं था तो अपने विधायकों से बैठक करके बातचीत उनसे किया, पार्टी फोरम में बात रखी, और बात रखने के बाद हमने सबको अवगत कराया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों के तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हो। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पादान से आती हूँ, अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमज़ोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए, इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। मैंने कहा कि मैं अकेले आपके बीच में आया हूँ, हमारे विधायक उनसे बात नहीं किया हूँ, पार्टी फोरम पे बात नहीं किया हूँ, सबसे बातचीत करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो उसके लिए 12 तारीख को एक तारीख आप लोगों को बताई गई कि 12 तारीख को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को दी जाएगी। उसी बीच एक घटना घटती है, माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत होता है, उस कारण इसको हमने टाल दिया और टालने के बाद फिर एक घटना घटती है, उसी बीच माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला, उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो, जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ और मुझे इस बात की चिंता ज़रूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूँगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं और फिर कह रहा हूं कि
जो आप लोगों के दिमाग में एक बीमारी पैदा होती है कि आगे क्या होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती हैं, पिछड़े वंचित की उन्होंने भी समर्थन किया, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद भी मैंने ये तय किया कि इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। बारी बारी अखिलेश जी ने नहीं बुलाया, वजह ये है या आपको उसके बाद पता चला द्रौपदी मुर्मू जी निचले तबके से आती है? नहीं, देखिए आप उधर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रत्न जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकल कर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जा कर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। इसी बात को मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को समझने के लिए, अगर मैं ये बात कहता तो लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि एसी से बाहर निकल करके जनता के बीच में जा कर के अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस बात को लेकर के उधर से मैसेज मिला, अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। फिर मैं इंतज़ार करता रहा कि 7 तारीख को मुझे सूचना मिली, फिर 6 तारीख को फोन आता है प्रमुख महासचिव के यहाँ कि 7 तारीख को प्रेस वार्ता है, आपको 10 बजे आना है। मैंने 6 विधायक को बुलाया, अब बुला करके सबसे बात किया, बात करने के बाद मैंने 6 तारीख को ही सबको लखनऊ बुला लिया। फिर 7 तारीख को सुबह फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जबकि सूत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि मीटिंग 10 बजे के बजाय 5 बजे प्रेस वार्ता है और मीटिंग होगी उनकी पार्टी की, उसमें हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है। इस बात का प्रमाण और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अंदरूनी क्या मामला है। जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? ये चूंकि हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसके वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, हमको सलाह देते हैं, तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं, भाई सलाह नहीं देंगे, हमको जो लड़ाई लड़ना है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि 2024 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेंगे, क्या गठबंधन टूट गया है, आप बाहर आ गए हैं गठबंधन से, अभी की स्थिति क्या है? आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावे तो मैं उनके साथ
वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा, और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। नहीं नहीं, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं, कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे रखेंगे। वो कहाँ रख रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि आपको मीटिंग कैंसिल हो गई, आना नहीं है, आपके सचिव से बोला जा रहा है कि हमको मतलब नहीं, आप अपने रास्ते जाइए, तो कब तक रहेंगे? तो अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं, अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। बारी बारी नहीं, हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं, जब तक आपके पास फोन नहीं आएगा तब तक अलग नहीं होंगे। हम अलग, आपके 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 जो विधायक हैं 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे? देखिये, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हो भी, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। अखिलेश जी ने सवाल किया था कि अगर आप पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं, तो पर्दे के पीछे तो सब लोग करते हैं, पर्दे के पीछे तो देखिए, मैं पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक गया, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। मैंने किसी को बार्गेनिंग की एक बात कोई बता दी, कोई दल कि किसी से ठीका पट्टा, किसी से पोस्टिंग, किसी से कुछ मांगा हूँ? मैं मांगता सिर्फ यही हूँ कि अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए सीट मांगता हूँ, उनको एडजस्ट करने की बात करता हूँ, और कोई बात किसी से नहीं किया हूँ ना करूँगा। राजन जी, अब तो अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया कि अपने अपने रास्ते अलग देख लीजिए, जब उनके नेताओं ने मैसेज दे दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और वो कैसे करेंगे? भाई वो कह रहे हैं तो हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। तो रास्ते अब अलग अलग हैं या एक साथ हैं? अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। राजन जी, आपने मिलने का समय मांगा था, तो उसके लेकर क्या कहा गया कि समय नहीं दिया गया, कि कोई मतलब रिस्पांस क्या था? वो तो उसी दिन बता दिए थे जिस दिन उनके नवरत्न में से एक रत्न, जो गाँव में बताते हैं कि अखिलेश जी के इर्द गिर्द नवरत्न रहते हैं, उसी में से एक रत्न ने बता दिया था पहले ही। तो हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है मैसेज आवे, बात हो। बारी 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 नहीं, मैंने पहले कहा कि 5 तारीख को अरविंद जी को फोन करके ये मैसेज दे दिया गया कि अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इसके बाद भी इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को फिर 6 को फोन आता है कि आप 10 बजे अपने सभी विधायकों के साथ उपस्थित रहेंगे। मैं सभी विधायकों को 6 तारीख को बुला लिया, फिर फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई। लेकिन 7 तारीख को मीटिंग तो हुई, यशवंत सिन्हा जी आए, प्रेस वार्ता हुई, उसमें आप लोगों के तरफ से किसी साथी ने सवाल किया तो सवाल का जवाब ये आया कि हमारा अंदरूनी मामला है, और खास करके उन्होंने टाल दिया। नहीं, देखिए एक बात तो आपसे कहूंगा और सभी साथियों से कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर के विषय में सही जानकारी करके तब चलाया करिए। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा हैं, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फार्चूनर से न चला हूँ न चलूँगा, क्योंकि फार्चूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। तो मेरे पास फार्चूनर नहीं है और न मैं फार्चूनर से चलता हूँ, मैं स्कॉर्पियो ये इनोवा से चलता हूँ, और इनोवा गाड़ी मेरे पास है। तो
फॉर्चूनर नहीं क्यों गई थी? जब वहां तक दी गई तो उसे दिया क्यों गया? मुझे तो ये भी नहीं जानकारी, तो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि फॉर्चूनर दिए हैं। आप बताओ, किसी को अगर गिफ्ट दिया गया हो, प्रसाद दिया गया हो, और वो प्रसाद हाथ से छोड़ लिया जाता है क्या? नहीं, दिया गया कि नहीं हमको नहीं जानकारी। आपको जानकारी नहीं? मुझे जानकारी नहीं। जो मैंने कल देखा, आज भी मैं सुबह देखा, किसी चैनल पे चल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर फॉर्चूनर से चलते हैं, तो मुझे आश्चर्य लगा कि मैं तो फॉर्चूनर से कभी चला ही नहीं। मैं इसी नाते दूठो इनोवा रखा हूँ, कम से कम दूरी तक चलना है, अब फॉर्चूनर से चल के कमर काहे को तोड़वा दे जल्दी। कोई और तो नहीं चलता था, क्योंकि आपके पोर्टिको में खड़ी हुई थी पार्टी कार्यालय के पोर्टिको। अरे कोई आ रहा मिलने के लिए तो हम क्या करें, आप उसी की फोटो खींच के हमको चला दो है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस के लोग आते हैं, बसपा के लोग आते हैं, सपा के लोग आते हैं, सारी पार्टी के लोग आते हैं, भाजपा के लोग आते हैं, हम भी जाते हैं। आप ले जाकर के हम जाते हैं स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ, हम जाते हैं दयाशंकर सिंह जी के यहाँ, हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। आप वहीं फोटो खींच के दिखा दो कि ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है। पार्टी वाली फोटो है ऐसा है, राजभर जी को पकड़ना बड़ा कठिन काम है। एक दिन पहले से कि बताया जा रहा था? नहीं बताया जा रहा था, देखिए किसी को खबर नहीं थी, ना यार उनको खबर थी, ना किसी को खबर थी, किसी को मैं खबर नहीं देता हूँ। मैं अपने विवेक बुद्धि से काम करता हूँ, जब उसको ओपन करना होता है। कल इन लोगों को बताया हूँ कि प्रेस वार्ता करूंगा, मैं कहाँ था किसी को पता ही नहीं था। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, ये भी जानकारी नहीं है? किसी को नहीं जानकारी है। अच्छा, कल ही मुलाकात है, परसों। अरे राजभर जी, राजभर जी ये बताइए, नगर से आपकी विधायक हैं, वो भी नहीं? मेरी विधायक नहीं, नहीं मैं गलत क्यों? नहीं नहीं, आप पहले जानकारी करिए। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो मेरी विधायक नहीं है। मेरी पार्टी से अगर जीती होती तो मेरा दावा था। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता कि मेरे ऊपर आप उंगली उठावें। समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला है उनको, हाँ मैंने वो सीट मांगी थी, नहीं जब मिला तो मैंने कहा ये मेरा उम्मीदवार है, आप लड़ा दो अपने ही पार्टी से, लड़ा के भैया अपने पास रखो। तो अब्बास वोट देंगे? अब्बास अंसारी 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे? और कोई सवाल है किसी का? वो प्रकाश जी, ये बताया जा रहा है कि 7 तारीख को जो मीटिंग थी अखिलेश यादव से, आपको एक दिन पहले फोन आया था कि बैठक में आना है, फिर 2-3 घंटे बाद शायद उसको कैंसिल कर दिया गया, क्या ये बात सही है? 100% सही है। तो क्यों कैंसिल किया गया? अब ये बात तो वहाँ से पूछिए ना, हम क्या बता सकते हैं। हमारे ये विधायक जी हैं सामने, अभी सुबह सुबह आए हैं, कल मैंने सबको फोन किया कि हम लोग एक बैठा जाए, तो कहा कि एक बार बैठक हो गई तो फिर दोबारा बैठक क्या हो सकता है। पूछिए इनसे, बुलाया था कि नहीं 6 तारीख को? पूछिए, हम लोग बैठ के इंतजार करते रहे, पार्कर रोड में सभी विधायक बैठे थे। 7 तारीख उनकी जो प्रेस वार्ता थी, हम लोग जब मैसेज आ गया तब हमने कहा कि जाओ भाई सब लोग अपना अपना काम करो, फिर देखा जाएगा आगे। अब ओम प्रकाश जी, केशव देव मौर्य जी ने कहा था कि सपा की ओर से 3 फॉर्चूनर दी गई है, एक ओम प्रकाश जी को, एक खुद उनको और एक संजय चौहान जी को। देखिए वो बड़के भैया हैं, और वो सिर्फ आपके चैनल पे दिखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, और इस बात की पुष्टि यहाँ बैठा होगा कोई साथी। अरे एक आप लोगों के सहयोगी थे महान दल के, उनको गाड़ी मिली। अरे उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो खाली हमारा नाम लेके आपके टीवी पर आने के लिए बयान देता है, और कुछ नहीं है। और कोई सवाल किसी का? बंद करते हैं। जो लोग आपकी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी से कहा जाए गठबंधन तोड़ दिया, बारी बारी आप मैं ये पूछ रहा हूँ, जो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं आपको उसके सिंबल पर लेते लेकिन है आपकी पार्टी के, उनसे भी आप बात करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, चूंकि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, उस समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनकी गिनती समाजवादी पार्टी में होती है, न कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। इस नाते उनसे बात करने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता। आपके कितने लोग हैं समाजवादी पार्टी में विधायक बने हैं? संख्या में लगा अब जाने दीजिए। नहीं ये तो सीक्रेट वोटिंग होती है ना, इसमें कोई नहीं, हम तो 6 लोग नहीं, हम तो 6 की बात कर रहे हैं। एक भी वोट उनकी पार्टी से हम नहीं लेंगे, जो हमारे लोग उनके यहाँ जीते हैं उनसे हमने कह दिया कि भैया आप वहाँ हो वहाँ काम करो।
जब आप कहते हैं कि 5 तारीख को फोन आया वहां से, मतलब किसका फोन आया, मतलब कोई गफलत ना बनी रहेगी। उनके नवरत्न जानते हैं, गांव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास नवरत्न लोग रहते हैं, और जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, यही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उसी में से उन्होंने फोन किया था, जो एक नंबर एक के हैं। अरे तो वही समझ लीजिए जो आ गया फ्रंट पे, उनका वही है। क्या ना, ये आजमगढ़ चुनाव के संबंध में किसी ने नहीं पूछा, नवरत्न में से एक भी रत्न वहाँ नहीं दिखाई दिया। नवरत्न में एक भी रत्न आजमगढ़ में दिखाई नहीं दिया, अगर कोई दिखाई दिया तो ओम प्रकाश राजभर, और बयान टीवी पर देना अलग बात है, धरातल पे जाके काम करना। हमें डर लगा तो कहा ना, अरे भैया आप लोग जाने जो उदय के वीर हैं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अरे हमको कौन निकालेगा, किसकी औकात है? ऐसी परिस्थिति कि आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा, मत बुलाया जा रहा, हमारी पटिया है ना, हमारी पटिया है ना, अपनी पार्टी के मालिक है ना दूसरे के नहीं। आप गठबंधन में हैं अगर, तो आप उनके एजेंडे पर काम कैसे करेंगे? हमने कभी किसी के एजेंडे पर काम किया ही नहीं है, हम अपने एजेंडे पर। तो आप बस इंतजार कर रहे हैं, हम आपके विरोधी काम कर रहे हैं। नहीं, हम विरोधी काम थोड़ा कर रहे हैं। सर, आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपने उसमें कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं चुनाव में, तो ऐसा क्या हुआ कि आप समाजवादी गठबंधन के साथ उसके बाद उस तरह का निर्णय लेना पड़ा, क्या ऐसी वजह रही? देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आइए जो है वो आ रहे हैं उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने, जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया मिला, और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई, बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। लेकिन गठबंधन में समाजवादी के साथ है, सबने निर्णय लिया था यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का, तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, क्या ये ईगो क्रैश हुआ है जिसकी वजह से इस तरह का समर्थन करना पड़ा? देखिए समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ना बुलाना, राज्यसभा का चुनाव आया तब राज्यसभा जयंत चौधरी के दे देना, और उसके बाद MLC का चुनाव आया तो हम लोगों को ना पूछना, ये तो एक तरह से इग्नोर करने की बात ही हो रही है उनके यहाँ से। अब देखिए, अब हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपील पर, और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिर्फ वोट की बात हुई, सिर्फ सिर्फ वोट को लेकर के बात हुई। मैं फॉर्चूनर से नहीं चलता हूँ, मैं इनोवा से चलता हूँ, मेरे पास 2 इनोवा है और मेरे पास कोई फॉर्चूनर नहीं, मैं कभी फॉर्चूनर से चला हूँ।